नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह झाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर पर। दोस्तों, कल रात मैंने जटाशंकर मंदिर में बिताई और आज सुबह मैं निकल पड़ा हूं सेसावन जाने के लिए। सेसावन को सीतावन के नाम से भी जाना जाता है और गिरनार तलेटी से 2800 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सेसावन आता है। जब मैं जटाशंकर आया था तब मेरे लिए रास्ता नया था, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन मेरे साथ जो राकेश भाई चल रहे, जो मजदूर है, उन्होंने मुझे जटाशंकर से सिसावन जाने के लिए एक दूसरा रास्ता सजेस्ट किया और उनका पीछा करते करते, उनके पीछे चलते चलते मैं अभी सिसावन की ओर जा रहा हूँ। राकेश भाई ने मुझे कहा कि आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं, आगे चलने के बाद आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। उनकी बात सही निकली और देखिए अब मैं सीढ़ियों तक पहुंच चुका हूं। धीरे 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 मैं सीतावन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अभी सीढ़ियों पर कोई भी यात्री मुझे दिख नहीं रहा है, बस मेरे साथ है प्रकृति मैया और मैं उनकी गोद में उनका सहारा लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मंदिर दिख रहा है जहां पर ओम स्वस्तिक के निशान है और यहाँ है गढ़गिरनार। ये वही रास्ता है जहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ पदयात्री अभी मुझे दिख रहे हैं थके हारे हुए। देखिए सच में ऐसा अद्भुत नजारा आप कहां पे देखने को मिलेगा, मेरे पीछे भी आप देखिए। दोस्तों, जब मैं चल रहा था तब कई सारे बुजुर्ग लोग सिसावन जाकर नीचे वापस आ रहे थे, उनमें से कुछ की उम्र तो 90 साल से भी ज्यादा थी। सच में जब ऐसे वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी भी यह कठिन चढ़ाई पार कर सकते हैं तो हम तो युवा है। ऐसे लोग ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बाबा के दर्शन हुए, जय गिरनारी कहकर उनसे आगे बढ़ा मैं। रास्ते में जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ कोई ना कोई यात्री मुझे मिल रहे हैं। कुछ लोग अपनी बातचीत में मग्न है तो कुछ लोग थके हारे हैं और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर बैठ गए, लेकिन हर कोई मस्ती में है। बीच में जो भी छोटे मोटे मंदिर आते हैं वहाँ पे नतमस्तक होकर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देखिए यह दृश्य भी देखने लायक है। अब हम सिसावन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, बस कुछ सीढ़ियां बाकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मैया सीता को मैं यहाँ पर नतमस्तक होता हूँ और यहाँ है मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह के भीतर राम, लक्ष्मण और जानकी जी की मूर्तियाँ स्थापित है और बाहर श्री हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब पहाड़ी पर बैठकर मैं प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। जय गिरनारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और नए अपडेट दिखाता रहूँ।